What's up guys, कैसे हो आप लोग? If you have been following me on Instagram @23rides, you know that I've got another weapon in my garage, which is the Mahindra Thar. And I've been trying it out for the last few days. I mean, गाड़ी ऐसी है, इसको देख के हर बंदे का दिल करता है कि मेरे गैराज में गाड़ी होनी ही चाहिए. But खरीदने से पहले कुछ ऐसे 5-6 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आप डेफिनेटली कंसिडर करना, नहीं तो आप ना थोड़ा सा रिग्रेट कर सकते हो. Before getting into those factors, I wanted to talk about this whole category. Thar जैसी गाड़ियाँ जो होती हैं, they are part of the lifestyle category of vehicles. And lifestyle category की अगर आप definition देखो ना, ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा practically useful नहीं होती, but इनका style quotient बहुत ज़्यादा होता है. And style के चक्कर में ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं. लोग ऐसी गाड़ी चलाना prefer करते हैं जिससे जब वो road पे निकलें तो सारी दुनिया उन्हें देखे, and everyone kind of aspires to own that sort of a vehicle. So if you are kind of in the situation where you have almost decided on buying the Mahindra Thar and you are going to pull the trigger on that, I'll be now sharing with you 5 or 6 good points which you should definitely consider before making this purchase. Ab ye sare points negative lagenge sunne mein, but they'll go a long way in ensuring that you do not regret your decision. इस गाड़ी के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, बट लिमिटेशंस को पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी कम डिस्कस होती हैं. सो पहली चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है अगर आपने थार लेने का बिल्कुल मन बना लिया है, कि दिस इज़ नॉट अ फैमिली कार. ये स्टेटमेंट 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, कि आप बैचलर हो, अकेले गाड़ी चलाना चाहते हो, अगर यू हैव जस्ट 1 पर्सन हु विल बी अकंपनिंग यू वाइल ड्राइविंग दिस कार, देन दिस कार माइट बी अ डिसेंट ऑप्शन. बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यू आर काइंड ऑफ हैविंग अ फैमिली, यू हैव अ वाइफ एंड किड्स, मे बी पेरेंट्स ऑल्सो, एंड यू आर थिंकिंग दैट यू विल बी ड्राइविंग दिस कार विद ऑल 4 अबोर्ड, देन यू माइट हैव टू रीथिंक. क्योंकि इस कार के अंदर, जैसा आप लोगों को पता है, स्पेस प्रीमियम पे है. आगे वाली दोनों सीट्स बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, एंड पिछली वाली थार के कंपेरिजन में जो पैडिंग एंड कुशनिंग सारी दी है, दैट इज़ वेरी कम्फर्टेबल. बट अगर आप पीछे वाली सीट्स की बात करो, देखने में वो कंफर्टेबल लगती हैं, उन तक पहुंचना और वहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करना अगर आप एक लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है. सो अब एक बार ना आप लोगों को पीछे बैठ के दिखाता हूँ पीछे बैठने वाली प्रोसेस है कैसी. हम सबको पता है कि सीट को आगे करना पड़ता है, फोल्ड करना पड़ता है और उसके बाद बैठने की जगह बनती है. बट फॉर समबडी लाइक मी हु इज़ लाइक 6 फीट, अभी देखते हैं कि मुझे कैसा लगता है बैठने में एंड हाउ इज़ द अप्रोच लाइक. तो फर्स्ट थिंग, ऑब्वियसली आपको इसको खींचना पड़ता है और नॉर्मली ये सीट ऐसे जगह हो जाएगी पीछे, ये जगह बनती है. गाड़ी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि ऑब्वियसली 20-22 हज़ार किलोमीटर चली हुई है. एंड इसके अंदर अब मैं चढ़ता हूँ, अप्रोच में थोड़ा सा झुकना पड़ेगा ऑब्वियसली, 6 फीट का हूँ तो. एंड यहाँ मैं आके बैठा, सीट को वापस करते हैं लॉक. सो अब मैं जब पीछे बैठा हूँ तो मैंने अपनी आगे वाली सीट को एडजस्ट किया हुआ है अपनी हाइट के हिसाब से. अगर आप 6 फीट हाइट वाले बंदे के पीछे बैठोगे तो इतनी जगह मिलती है आपको. नी रूम देखो थोड़ी सी है, विच इज़ लाइक मे बी लाइक 3-4 इंचेस, नॉट मोर देन दैट. एंड आगे पैर रखने के लिए ना थोड़ा सा इशू है, क्योंकि इधर से जो गाड़ी है पूरी रेज्ड है लेफ्ट साइड से, बिकॉज ऑफ दैट व्हील आर्च विच इज़ ह्यूज. सीट के बिल्कुल लेफ्ट में भी जा रहा है व्हील आर्च, एंड यहाँ पे आपका एक पैर तो थोड़ा ऊपर रहेगा और एक पैर नीचे रहेगा. तो ये जो ऊपर नीचे दोनों पैर रह रहे हैं ना, ये आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. ओवरऑल जो सीट में स्पेस है वो ठीक है, कुशनिंग भी ठीक ठाक है, हेडरेस्ट भी ओके ही है थार के हिसाब से. जो ओवरऑल विड्थ है सीट की, इसमें 3 लोग तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, दैट इज़ व्हाट आई फील. 2 लोग बैठ पाएंगे क्योंकि ये बीच वाला एरिया थोड़ा सा रेज्ड है, अगर इधर कोई बैठेगा तो वो एक अलग ही हाइट पर पहुँच जाएगा और सिर पे देखो रूम एकदम से कम हो जाती है बीच वाले एरिया में बैठते हुए. कोई पीछे आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मली जो आजकल स्टैंडर्ड फीचर होता है SUVs में या सेडान्स में, जिसमें आप आराम से आर्म रख लो, क्योंकि टिपिकली इट्स गोइंग टू बी यूज्ड फॉर 2 पीपल ओनली. सो उसमें आर्मरेस्ट काफ़ी यूज़फुल होता है, इधर कोई आर्मरेस्ट नहीं है. स्टोरेज ऑप्शंस ऑलमोस्ट 0 हैं. एक चीज़ जो आपको एज अ कम्फर्ट फीचर मिलती है यहाँ पे, मे बी यहाँ पे अपना कोट या जैकेट टांग सकते हो. बाकी सीट्स के पीछे ये पॉकेट्स हैं दोनों साइड पे, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. कोई कप होल्डर नहीं है, कोई और स्टोरेज स्पेस नहीं है.
सो आपकी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ स्टोरेज स्टैंडपॉइंट बहुत ही लो रखना इस गाड़ी को लेने जा रहे हो तो. सो मेरी हाइट तो 6 feet है, बट अभी थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ करके देखते हैं. अशीर हु इज शूटिंग दिस वीडियो फॉर मी, ही इज 6'4" और 6'5". 6'5". सो 6'5" वाला बंदा थार में पीछे कैसे बैठेगा, ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ है, देखते हैं. क्योंकि इस गाड़ी को चलाने वाले लोग लंबे चौड़े तगड़े होते हैं, तो लेट्स सी कैसी है भाई प्रोसेस अंदर घुसने वाली. क्योंकि मैं पतला हूँ तो घुसना तो आसान था, लेकिन अभी एक बार सीट पीछे करके देखते हैं. हाउ इज़ द फील? हाँ, सो नीज पूरी तरह टच हुई हुई है, और साथ ही साथ जो साइड में ये एक पट्रूडिंग सा ऊपर को जो व्हील आर्च है ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल है, और मतलब आई एम नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल इन दिस पोजिशन. और पीछे आपका यहाँ पे थाई सपोर्ट तो मिलता ही नहीं है, और मैं पूरी तरह पीछे लगा हुआ है मेरा बैग, तब भी मैं मतलब आई एम नॉट, माई नीज आर स्टिल डिगिंग इन द सीट. सो बेसिकली फॉर अ 6'5" गाय, आप उसको पीछे नहीं बिठा सकते. मुझे तो नहीं लग रहा अशर यू विल बी कम्फर्टेबल सिटिंग इन दिस फॉर मोर देन 15 मिनट्स. आई कैन स्लीप इन इट, बट आई कैन नॉट. सीधे नहीं बैठ सकते आप? नहीं, सीधे नहीं बैठ सकते. आई मीन डायगोनली आई कैन फिट इन दिस कार. दैट मींस एक ही बंदा बैठेगा, राइट? पीछे एक ही हाइट वाला बंदा, अच्छी हाइट वाला एक ही बंदा बैठेगा पीछे. एक चीज और, अगर आपकी फैमिली में कोई बड़ा है, योर फादर इन लॉ समथिंग लाइक दैट, हु इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस हाइट, गेटिंग अप हियर विल बी एन इशू. बट ये जो पीछे जाने वाली प्रोसेस है ना, इसको तो भूल ही जाओ कि आप किसी बड़े बूढ़े को इस गाड़ी में बिठाओगे. तो ऐसे लोगों के लिए, ओल्ड एज वाले लोगों के लिए, तो आपको इस गाड़ी की तारीफ कम, बुराइयां और गालियां ज्यादा सुनने को मिलेंगी. सो अगर आपकी फैमिली छोटी भी है, लाइक यू एंड योर वाइफ, इफ यू गाइज वॉन्ट टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, देन दिस कार माइट सूट यू, माइट नॉट सूट यू. इट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लगेज दैट यू वॉन्ट टू कैरी फॉर द ट्रिप. क्योंकि एज आई टोल्ड यू, जगह प्रीमियम पे है. यू कैन कीप ऑल योर लगेज ऑन द बैक सीट, जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट लगेज रखने के लिए यू कैन पुल दो सीट्स डाउन एंड काफ़ी सारा सामान रख सकते हो. बूट स्पेस छोटी है, तो आपका जो भी लगेज होगा, अगर आप सिर्फ बूट स्पेस को यूज़ करना चाहते हो लगेज कैरी करने के लिए, उसमें यू कैन जस्ट कैरी मे बी लाइक 2 hard suitcases और अ कपल ऑफ सॉफ्ट बैग्स. इससे ज़्यादा जगह नहीं है. अगर आप 4 लोग जाना चाहते हो लंबे ट्रिप पे, तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि इस गाड़ी में आप लंबा ट्रिप कर सकते हो, क्योंकि लगेज रखने की जगह ही नहीं है. हाँ, अगर आप दिल्ली से शिमला जाना चाहते हो एक दिन के लिए और अगले दिन वापस आना चाहते हो, तो 4 लोगों का सामान किसी तरह एकोमोडेट कर सकते हो. बट 4-5 दिन का ट्रिप विद 4 people ऑन बोर्ड फ्रॉम अ लगेज स्टैंड पॉइंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. थार्स का सबसे बड़ा जो अट्रैक्टिव फीचर लगता है सब लोगों को, वो है ओपन टॉप वाला जो फीचर होता है, जिसमें पीछे से और आगे से गाड़ी में से पूरी की पूरी रूफ हट जाती है. ये वाला जो मॉडल मैं चला रहा हूँ, इट इज़ अ हार्ड टॉप मॉडल, और इसमें दैट फीचर इज़ काइंड ऑफ नॉट अवेलेबल. अगर आप कन्वर्टेबल मॉडल के लिए भी जाते हो, तो वो मॉडल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए, एंड इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. क्योंकि अगर आप गाड़ी में कुछ भी एक्सपेंसिव सामान रखते हो, सो एनी वन कैन काइंड ऑफ टीयर अवे थ्रू दैट रूफ, एंड आपके सामान की एज सच कोई बहुत अच्छी सेफ्टी रहती नहीं है. तो अगर आपके पास कन्वर्टेबल मॉडल है, आपके दिमाग में एक हमेशा चीज़ चलती रहेगी कि गाड़ी को पार्क कहाँ पे करना है और उस जगह की कितनी सेफ्टी है, जिससे रात को ऐसा ना हो कि कोई चीर फाड़ मचा के सब सामान उठा के ले जाए. एक और चीज़, अगर आप थार का जो अपडेटेड मॉडल है सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा फिनेस है इसके कैबिन के अंदर एंड यू विल गेट दैट लग्जरी SUV वाली फील, तो वो आपकी गलती हो सकती है. ऐसी आपको फील नहीं मिलेगी. अंदर से पूरा कैबिन जो है काफ़ी रगेड थीम, जस्ट नॉट द थीम, फ्रॉम अ यूजिबिलिटी स्टैंड पॉइंट एज वेल. अगर आपका डोर खुला है गाड़ी का, आपको इसे बंद करना है, और आपको आदत है आराम से डोर बंद करने की, तो ये गाड़ी का डोर बंद नहीं होगा. इसको आपको अच्छे से पूरा जोर लगा के ऐसे बंद करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर फोक्स हु आर काइंड ऑफ यूज टू नॉर्मल SUVs और सेडान. तो ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको फील होगा कि ये गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इन चीज़ों की आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आदत हो सकती है. और एक चीज़, दरवाजे को इनसाइड आउट खुलना रोकने से, यहाँ पे देखो कैसे एक स्ट्रैप वाला मैकेनिज्म दिया है, बट ओवरऑल देखो इट इज़ नॉट लुकिंग समथिंग वेरी वेरी पॉलिश. सो छोटे मोटे निगल्स इधर उधर आपको लगेंगे फ्रॉम अ फिनेस स्टैंड पॉइंट, विच विल काइंड ऑफ गेट यूज टू. इन दिस 2020 मॉडल ऑफ महिंद्रा थार, दीज गाइज हैव एडेड सम टचेस ऑफ मॉडर्न फीचर्स एज वेल, एंड वन ऑफ देम बीइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले. I feel this head unit is very crisp to look at and from a usability standpoint भी काफ़ी अच्छी है. But इतना सब कुछ होने के बाद भी यार, एक काफ़ी बेसिक चीज़ नहीं दी इन लोगों ने गाड़ी में,
विच इज़ लाइक अ रिवर्स कैमरा, वो अलग से इंस्टॉल करवाया गया है इस गाड़ी में। रिवर्स कैमरा आजकल के टाइम में अगर गाड़ी में नहीं मिल रहा तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव होगा आपकी यूजेज में। सो अभी तक हम लोगों ने सारी लिमिटेशंस डिस्कस करी हैं थार के बारे में, एंड आई डू नॉट वांट दिस वीडियो टू काइंड ऑफ लुक वेरी नेगेटिव। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ द महिंद्रा थार। 99% लोग इस गाड़ी को इसलिए चूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द वे इट लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। इट इज़ एज वी ऑल नो इंस्पायर्ड बाय द जीप रैंगलर, और जब आप इस गाड़ी को रोड पे चला रहे होते हो तो आपको ना एक अलग ही टाइप की रिस्पेक्ट मिलती है। मैं से 3-4 दिन से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, एंड रोड पे जब मैं जा रहा होता हूँ इस गाड़ी को आराम से चला रहा हूँ तो एक नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड पे, ऐसे कई लोग मिले हैं जिन्होंने गाड़ी को घूरा एंड देखा कि कौन चला रहा है इस गाड़ी को और एक स्माइल पास करी। वैसा रिएक्शन आपको रोड पे हमेशा मिलेगा थार चलाते हुए, एंड ऊपर से इस गाड़ी का जो ऑल ब्लैक कलर है बहुत ही मैचो फील देता है इस गाड़ी को, एंड एवरी वन काइंड ऑफ लुक्स टू दिस कार इवन इफ़ यू आर स्टॉपिंग एट अ रेड लाइट और जस्ट क्रूजिंग अलॉन्ग द रोड। एंड दैट इज़ द पर्पज ऑफ अ लाइफ स्टाइल व्हीकल, इट शुड गेट आई बॉल्स ऑन द रोड एंड दैट इट डज वेरी वेल। अंदर आप गाड़ी में आओगे तो आपको स्पेशियस सी फीलिंग लगेगी आगे वाली सीट्स पे। पीछे वाली सीट्स के बारे में तो मैंने आपको बताया थोड़ी क्रैम्ड है, पर आगे वाली जो दो सीट्स हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, पैडिंग बहुत बढ़िया है, आप बैठोगे तो अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। एंड मैं इसुजू चलाता हूँ डी मैक्स वी क्रॉस, जो अपने आप में एक बड़ी गाड़ी है, उसकी भी स्पेस आगे बहुत अच्छी है, उसमें भी बहुत अच्छी कमांडिंग पोजिशन है। बट थार में बैठते ही मुझे ऐसा लगा कि इसकी सीट थोड़ी सी और ऊंची है, जो ड्राइविंग पोजिशन है थोड़ी और ज़्यादा बेटर है, अ लिटिल मोर कमांडिंग। एंड व्हाट रियली हेल्प्स इज़ द वेरी बिग विंडो ग्लासेस डेट आर देयर एंड द विंडस्क्रीन एट द फ्रंट एज वेल। थार में अगर आप विंडस्क्रीन देखो तो इसमें ना बिल्कुल भी स्लांट नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट वर्टिकल, सो इसकी एक अलग ही लुक आती है। अगर आप फिनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड यू वांट दैट रगेड फील, यू विल बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द इंटीरियर्स ऑफ दिस कार एज वेल। एंड लास्ट मॉडल से तो बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है गाड़ी, तो आप डेफिनेटली इसको इन्जॉय करोगे। नेक्स्ट अप, लेट अस एड्रेस द मोस्ट ऑब्वियस बेनिफिट ऑफ ओनिंग द थार, विच इज़ इट्स ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। अगर आपने थार ली है तो आप डेफिनेटली ऑफ रोड करना चाहते हो, आप तभी ऐसी गाड़ी लोगे। आप होपफुली आप ऐसे बायर नहीं हो जो इस गाड़ी को सिर्फ रोड्स पे चला रहे हो और सिर्फ स्टाइल ही मारना चाहते हो रोड पे। दिस इज़ वन कार डैट कैन रियली डू ऑफ रोड्स वेरी केपेबली, बहुत ही अच्छी मशीन है। अगर आप ऑफ रोड पे लेके जाओ, टेक्निकल ट्रैक्स पे भी लेके जाओ तो बहुत आराम से चलेगी। इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप नीचे देखो, यहाँ पे एक अलग से सेपरेट लीवर आता है, कई गाड़ियों में नॉब आता है, इसुजू में नॉब है मोड शिफ्ट करने का, यहाँ पे 2H, 4H और 4L मोड का अलग से लीवर है। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे जो एक स्पेशल ऑफ रोड ड्राइव वाला वीडियो बनाएंगे। जो थार का जो अप्रोच और डिपार्चर एंगल है वो बहुत ही अमेजिंग है, तो आप काफ़ी स्टीप इंक्लाइंस और डिक्लाइंस पे से गाड़ी को आराम से ले जा सकते हो, एंड विद दैट 4H मोड आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं टेक्निकल टेरेन को ट्रेवर्स करने के लिए। यहाँ पे जो एक अच्छा फीचर डाला है इन्होंने आगे वाले यूनिट में, वो है इसमें जो एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स का जो फीचर है। यहाँ पे ऑन रोड वाले मोड में हैं हम अभी, इसमें पावर एंड स्पीड एंड टॉर्क वगैरह दिखा रहा है, बट जैसे ही आप ऑफ रोड मोड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा गाड़ी कितना लीन कर रही है। अभी रोड थोड़ी सी लेफ्ट साइड को टिल्टेड है तो गाड़ी में -2, 0, -1 देख रहे हैं आप, लीन आ रहा है। रोड का ग्रेडियंट भी दिखाएगा उसमें कितनी चढ़ाई है और कितनी ढिलान है, एंड काफ़ी सारा चीज़ें दी हुई हैं फ्रॉम एन ऑफ रोड राइट परस्पेक्टिव मैट्रिसेस आप जिनको मॉनिटर कर सकते हो। सो छोटी मोटी चीज़ें महिंद्रा ने ऐड करी हैं विच गिव यू दैट फील के ऑफ रोडिंग के लिए बनी है ये गाड़ी। एज आई सेड अर्लियर, एक चीज़ जो उसमें मिसिंग है वो है सेंसर्स, जो 360 डिग्री सेंसर्स हैं। अगर वो भी होते तो इट वुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल टू टेक ऑफ रोड। अनदर थिंग डैट यू कैन डू इज़ मॉडिफाई दिस कार एंडलेसली। इसमें इतने ज़्यादा मॉडिफिकेशंस के ऑप्शंस आते हैं, उसकी एक अलग ही मार्केट है। अपनी थार को कोई भी लुक दे सकते हो, ओपन करा सकते हो, हार्ड टॉप वाला ये मॉडल है। अब महिंद्रा ने ही काफ़ी सारे ऑप्शंस देने शुरू कर दिए हैं, बट इतनी ज़्यादा आपको आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज एंड आफ्टर मार्केट कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपनी गाड़ी के लुक चाहो तो हर 6 महीने में चेंज करा सकते हो, बिकॉज दिस बेस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी यू नो कस्टमाइजेबल। एंड सिंस आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ दिस थार लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड द इनसाइड, एक चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे अगर आप सोशल मीडिया सेवी हो, तो इस गाड़ी के साथ आप जो भी पिक्स लोगे बहुत ही अमेजिंग आएंगी। इधर बहुत सारी जगहें हैं गाड़ी पे, इनफैक्ट जो आगे वाला जो फेंडर वाला पोर्शन है उस पे जो बैठ के पिक्स लेते हैं वो नेक्स्ट लेवल आती हैं। ऊपर से ब्लैक कलर की गाड़ी है, इवन जो रेड कलर इसका बहुत ऑसम लगता है।
तो आप इसके साथ रील्स बनाओ, इंस्टाग्राम पे पिक्स डालो, दैट कंटेंट विल गेट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन एंड लॉट ऑफ लाइक्स. सो उस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली सब लोग इस गाड़ी को यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली मैं भी करूँगा. सो टू कंक्लूड, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज के इस गाड़ी के जो बेनिफिट्स हैं वो और कोई गाड़ी आपको ऑफर नहीं करेगी. जो इसकी लुक है, फील है, वो आपको किसी भी और गाड़ी में नहीं मिलेगी जो अभी इंडियन मार्केट में है. बट इस चीज़ से इतना ज़्यादा कैरिड अवे ना होना कि आप इस गाड़ी में इन्वेस्ट करो और उसके लिमिटेशंस को इग्नोर कर दो. द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज यू गेट अवेयर ऑफ दोज लिमिटेशंस एंड देन मेक द डिसीजन ऑफ वेदर यू वॉन्ट टू गो विद द थार और नॉट. एज आई सेड, इट्स नॉट अ फैमिली व्हीकल, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल व्हीकल. But ultimately, the feel of this car is something that cannot be matched with anything that is there in the Indian market right now. I hope you guys like this video. मैं थोड़ा सा different perspective के साथ ये video बनाना चाहता था. I hope I was kind of able to put through my point. अगर आपको video अच्छा लगे तो आप video को like करना, share करना and subscribe करना channel पे. And hopefully हम Thar पे एक दो videos अभी और बनाएंगे. तो connected रहेंगे and see you in the next video guys.